हेलो दोस्तों, ये है शालू का घर और यहाँ पर शादी की तैयारियाँ हो रही हैं। आइए देखते हैं कि किसकी शादी हो रही है। अरे भाभी, घर तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है आज। अरे वैसे रिया कहाँ रह गई? वो अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? अभी थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाएंगे। अरे मधु, तुम ऐसा करो, तुम उसकी मदद कर दो जाकर। जी ठीक है भाभी, मैं अभी चली जाती हूँ। यहाँ पर मधु रिया की मदद कर रही है तैयार होने में। रिया तुम ये बिंदी भी लगा लो, तुम इससे और भी सुंदर लगोगी। अरे रिया के पापा, आप जरा कुछ खाने पीने का सामान ले आइए, खत्म हो गया है घर में। अरे मामा मामा, हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं नहीं बच्चों, तुम घर पर ही रुको, मैं अकेले ही जाऊंगा लेने, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। नहीं नहीं मामा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमको भी ले चलिए ना अपने साथ। अरे बच्चे इतना कह रहे हैं, ले जाइए ना अपने साथ। अच्छा अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अभी ले जाता हूँ इन बच्चों को। आ जाओ बच्चों मेरे पीछे पीछे। चलो जब तक लड़के वाले आ रहे हैं तब तक मैं दूसरे घर के काम कर लेती हूँ। अरे इतनी देर हो गई, रिया के पापा अभी तक लगे नहीं आए सामान, पता नहीं कहाँ रह गए, लड़के वाले बस आते ही होंगे। अरे मैं आ गया सामान लेके, तुम चिंता मत करो। अरे मधु, तुम एक काम करो, जो रिया के पापा सामान लाए हैं उसे प्लेट में निकाल के यहाँ टेबल पर सजा दो, लड़के वाले आते ही होंगे। जी ठीक है भाभी, मैं अभी कर देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। चलो मैंने ये भी सजा कर रख दिया है अच्छे से, अब बस लड़के वाले आते ही होंगे। अरे ये तो किसी गाड़ी की आवाज लगती है, लगता है लड़के वाले आ गए हैं। अरे मधु जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आ गए हैं स्वागत के लिए, आ जाओ मेरे साथ। ठीक है भाभी, मैं अभी आती हूँ, आप सभी बातें कीजिए, मैं अभी रिया को लेकर आती हूँ। और बताओ शालू बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ कविता जी, आप बताइए कैसी हैं? अरे मैं भी ठीक हूँ। अरे राजू जी, बड़े दिन हो गए मिले हुए को, कैसे हैं आप? अरे कैलाश जी, मैं तो ठीक हूँ। अरे आओ रिया बेटा, यहाँ आकर बैठ जाओ हमारे साथ। नमस्ते। नमस्ते रिया बेटा, आओ आकर बैठ जाओ हमारे साथ। हेलो रिया, आई एम रोहन। हाय रोहन, माय सेल्फ रिया। जी बता दीजिए, आप सभी को रिया कैसी लगी? अरे हमको तो रिया बहुत ही पसंद आई है, और आप बताइए आपको हमारा बेटा रोहन कैसा लगा? हमको भी रोहन काफी पसंद है। अच्छा अब आप लोग सब कुछ खा लीजिए। अरे मधु, सबके लिए चाय ले आओ, ये लीजिए चाय पी लीजिए। अरे भाभी, लड़का तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अरे रोहन, अब आप बता दीजिए आपको रिया कैसी लगी? मुझे रिया बहुत ही अच्छी लगी। अरे रिया, तुम बताओ तुमको रोहन कैसा लगा? मुझे भी रोहन अच्छे लगे। अच्छा ठीक है रिया और रोहन बेटा, आप तुमको अगर कुछ पूछना है एक दूसरे से तो पूछ लो। जी ठीक है। अरे रिया, आपकी उम्र कितनी है? मैं 22 साल की हूँ। और आपकी एज कितनी है?
मैं तो 24 साल का हूँ। चलो अब मैं ये सामान ले जाती हूँ यहाँ से उठाकर। सभी ने सब कुछ खा लिया है। अरे आपका घर तो बड़ा ही सुंदर है रिया जी, क्या आपको देखना है? जी हाँ, अगर आप दिखा सके तो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो दिखा ही दूंगी। आइए मेरे साथ। आइए अब हम लोग छत पर चलते हैं। अरे वाह, आपकी छत से तो बड़ा ही अच्छा नजारा दिख रहा है। अरे अब ये रोहन कहाँ चला गया? हमको घर भी तो जाना है, अंधेरा होने वाला है। अरे रोहन बेटा, अरे शायद रोहन और रिया छत पर गए हैं। रुको ये मैं अभी बुलाती हूँ। रिया बेटा। जी मम्मी, बोलिए क्या हुआ? अरे रिया बेटा, रोहन को नीचे भेज दो, उनको अब घर जाना है। जी ठीक है मम्मी। रोहन नीचे आ रहा है। चलो रिया बेटा, तुम जाकर आराम कर लो, तुम आज थक गई होगी। जी ठीक है मम्मी, मैं भी चली जाती हूँ आराम करने। तो दोस्तों, यही था आज की शालू की कहानी का पार्ट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।